गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल रिवाइज यू द सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग्स ऑफ डाइवर्सिटी. पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activity or group. कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता. वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर ट्रीट अस इन सच वेज. हैव यू एवर Wondered why this happens? अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं. डिफरेंस ऑफ प्रेजुडाइस. देयर आर मैनी थिंग्स दैट make us what we are, how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play and the things we celebrate. हम क्या हैं और हम कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है. हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है. देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. संसार में 8 मुख्य धर्म हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं.
वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेज दैट आर पीपल्स मदर टंग्स एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी अधिक या 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। यह विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक टॉक ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो नाउ द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। पीपल आल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगते हैं। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाएं। डू यू हैव ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी तरह या किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाई अदर्स एंड डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव दीज प्रेजुडाइसेस। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्या होते हैं? कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडाइसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू? हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? ऑन रूरल पीपल, ग्रामीण लोग, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेज। 50% यानी आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं।
Villagers do not care about their health. They are full of superstition. गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं. People in village are backward and do not like to use modern agricultural technology. फसल की बुआई और कटाई के साथ परिवार के लोग खेतों में चूंकि 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, Villagers are forced to migrate to cities in search of work. ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करते हैं. On urban people, शहरी लोग, life in the city is easy. People here are spoiled and lazy. शहरी जीवन बड़ा आसान होता है. यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं. In cities, families spend very little time with each other. शहरों के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं. People in cities only care about money, not about people. शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं. Living in a city expensive a large part of people's earnings in spent on rent and transport. शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है. लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है. City people cannot be trusted, they are cunning and corrupt. Some of these statements she relates as ignorant and superstitious, and see people in cities as money-minded, lazy and cunning. इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं. When our opinions about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy, and as some of these statements, then these become prejudices that we carry about them. जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है और ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है. जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है. प्रेजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फेरियर. जब हम यह सोचते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका होता है, वेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन
एंड अप नॉट रेस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रिफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेज निगेटिवली। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। एज ए रिजल्ट, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। परिणाम स्वरूप, हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ्स, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लॉथ्स दे वियर एक्स्ट्रा। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। ऑफन आवर प्रेजुडाइसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, और इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। यानी लड़के और लड़कियों में भेदभाव। All of us are similar with gender differences। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। What does it mean to be a boy or a girl? हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं कि एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है। Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है। इफ वी टॉक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज ए क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विथ बॉयज एंड मैन। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे
कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। एज बेबीज और चिल्ड्रेन व्हेन वॉइस फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, यू आर ए बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ ए बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। ही आल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज ए सिग्नल ऑफ वीकनेस, सो इवन थ्रू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीज देमसेल्फ नॉट टू क्राई। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या आए या दर्द हो। इफ ए ग्रो बॉयस क्रेज देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम ऑफ और लाफ एट हिम एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा देते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे और इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। थैंक यू।